सिम कार्ड को लेकर नियमों में बदलाव होने वाला है। अगर आप भी कोई नया सिम कार्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले नए नियम के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि यह आपकी काफी मदद करने वाला है। इसके अलावा आपको नया सिम कार्ड लेना भी आसान हो जाएगा। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सिम कार्ड के नए नियमों के बारे में जानकारी देते हैं। दरअसल 1 जनवरी से टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए रूल लागू हो जाएंगे। अगले साल से नया सिम खरीदने पर केवल डिजिटल केवाईसी होगी। इसके अलावा सिम वेंडर्स की वेरिफिकेशन भी अनिवार्य हो जाएगी। सरकार पिछले काफी समय से सिम कार्ड संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए नियम तैयार कर रही थी। अब 1 जनवरी से नए नियम लागू हो जाएंगे। पूरे देश में नए नियम लागू करने की जिम्मेदारी टेलीकॉम डिपार्टमेंट पर है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियां सिम कार्ड कस्टमर्स की केवल ई केवाईसी करेगी। अभी तक फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के जरिए ही वेरिफिकेशन की जाती है। केंद्र सरकार ने नए टेलीकॉम नियमों का ऐलान अगस्त में किया था, मगर इसको अमली जामा पहनाने में देरी होती रही। नए नियमों में सरकार ने सिम कार्ड वेंडर्स की वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया है। इसके अलावा बल्क सिम कनेक्शन का सिस्टम खत्म कर दिया है। इसकी जगह बिजनेस कनेक्शन देने का नियम होगा। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से रोकथाम की लड़ाई में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें तो नए नियम में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। टेलीकॉम डीलर्स और एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 12 महीने का समय मिलेगा। इससे एजेंट्स द्वारा असामाजिक तत्वों को सिम कार्ड जारी करने से रोका जा सकेगा। गैर कानूनी काम करने वालों को भी सिम हासिल करने में मुश्किल होगी और फर्जी सिम पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। 1 जनवरी से डिजिटल नो योर कस्टमर यानी कि ई केवाईसी लागू हो जाएगी। सिम खरीदने वालों को डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम से गुजरना होगा। अगर कोई डीलर ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। सिम बदलने के मामले में SMS फैसिलिटी चालू होने के 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी करनी होगी। आधार कार्ड की धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस में कुछ प्रोविजन किए हैं। आधार का कोई गलत इस्तेमाल न कर पाए इसके लिए प्रीटेंट आधार के QR कोड को स्कैन करके डेमोग्राफी डिटेल्स लेनी होगी। सिम कार्ड बंद होने के 90 दिनों तक ये नंबर किसी और को नहीं दिया जाएगा। दरअसल सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां इसलिए की जा रही है कि किस तरीके से जो लोग होते हैं वो बल्क में सिम ले लेते हैं और सिम कार्ड लेने के बाद इसका गलत उपयोग करते हैं। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए ही और सिम कार्ड संबंधित जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए ही 1 जनवरी से ये नए नियम लागू हो जाएंगे।